ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादि लक्षयम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुरु महाराज श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का ये उनकी जीवनी का तीसरा भाग है। अभी ये संक्षिप्त में ही हमारे भाग हैं, क्योंकि संतों का चरित्र सुनने से या अवतारों का चरित्र सुनने से चित्त की शुद्धि होती है, एक प्रेरणा प्राप्त होती है कि अपना भी जीवन इसी प्रकार से हमें सुधारने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने जब इंटरमीडिएट पास कर लिया था तो अचानक वो अदृश्य हो गए। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ने के बाद में वो कहीं दूर के इलाके में अध्यापन का कार्य करने लगे। वहाँ जो उनकी सैलरी थी उसका अधिकांश भाग वो दान कर देते थे, यानी बच्चों के लिए किताबें लेना, कपड़े लेना, उनके लिए भोजन का प्रबंध कर देना, और जो नॉमिनल था वो अपने लिए रख लेते थे। लेकिन वहाँ भी उनके मन में एक ही धुन थी कि जो जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान, उसे पाना है। तो वहाँ शिक्षा के साथ साथ में उन्होंने सेवा कार्य के साथ साथ में उन्होंने ध्यान है, आसन है, प्रार्थना है, चिंतन मनन इत्यादि है, वो उनका निरंतर चलते रहता था। यानी कि एक ही धुन उनके मन में सवार थी कि मुझे अब ये जो मुझे अंतिम जन्म लेना है, यानी कि अब मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना है। अचानक एक वर्ष के बाद में स्वामी जी वहाँ से भी निकल गए, यानी स्कूल छोड़ दिया। और जब घर पहुँचे तो घर पहुँचने के बाद में उन्होंने एक दो दिन रहे, फिर वो सीधे वहाँ से ऋषिकेश पहुँच गए अपने गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में, क्योंकि उनका और उनके गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी का संपर्क पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से बना हुआ था। और 3 फरवरी 1953 को 22 वर्ष की आयु में सुरेंद्र नामक युवक ने संन्यास की दीक्षा शिवानंद जी महाराज से ले ली, और वो सुरेंद्र से स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती कहलाए। और वहाँ भी उन्होंने 10 वर्ष तक आश्रम की पूर्ण रूप से भक्तिपूर्वक, समर्पण पूर्वक उन्होंने सेवा की। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के लेक्चर दिए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा से अनेक पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया, क्योंकि शिवानंद जी केवल इंग्लिश जानते थे, तमिल के थे, गीता है, उपनिषद है, यानी और जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर प्रवचन दिए थे। इस चरित्र में एक अचानक इस ये जो नाटक है इसमें एक पात्र का आगमन और होता है, और वही पात्र उनको फिर बाद में अमेरिका ले गया, मयामी की ओर ले गया। वो थीं स्वामी ललितानंद सरस्वती महाराज। अंग्रेज थीं वो, बहुत धन भी था उनके पास में, लेकिन वो बार बार वो कहती हैं कि उनके शब्दों में कि मैं बार बार ये कहती थी कि ये जीवन जीने का क्या लक्ष्य है, केवल संसार के भोग ही भोग नहीं क्या, कि बालक का जन्म हुआ है, फिर वो स्कूल चले गया है, कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है, उसकी कहीं या व्यापार या कहीं उसकी सर्विस लग चुकी है, उसका विवाह हो गया है, बच्चे हो गए हैं, फिर बाद में जो पौत्र इत्यादि हैं, पौत्रियाँ हैं, उनके जन्म के की प्रतीक्षा में रह गए, और फिर वृद्धावस्था होती है तो वृद्धावस्था की प्रतीक्षा में रहता है कि अब मेरी वृद्धावस्था आ रही है तो अब ये सब छूटेगा, तो फिर दुर्बल शरीर लेकर के उनकी वृद्धावस्था आती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो क्या इस जीवन का लक्ष्य है, क्या ये इसका क्या औचित्य रह गया है, तो पशु में और हम में तो कोई अंतर नहीं है, ये उनके मन में जो खलबली मची रहती थी। और उनको स्वामी शिवानंद जी की पुस्तकें पढ़ने का वहाँ भी सौभाग्य मिला, शिवानंद जी क्योंकि पुस्तकों को भेजते रहते थे, और अचानक उन्होंने 1953 को मार्च में विदेश की धरती से भारतवर्ष में कदम रख लिया अपना, और वहाँ से वो सीधे ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में डिवाइन लाइफ सोसाइटी में पहुँच गई। वहाँ उनका जो संपर्क हुआ स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज से हुआ, अभी ये तो योगी हैं,
दोनों का जब मिलन हुआ तो उन्होंने देख लिया कि यही मेरे गुरु हैं। और एक दिन फिर उन्होंने भी शिवरात्रि को स्वामी शिवानंद महाराज से दीक्षा ग्रहण की और वो भी स्वामी ललितानंद जी कहलाने लगे। और उन्होंने फिर वहाँ रह कर करके अपनी सेवा इत्यादि दी, बड़ी विनम्र स्वभाव की थी। और फिर 1962 में स्वामी शिवानंद जी से गुरु महाराज ने आज्ञा मांगी, क्योंकि ललितानंद जी कहती थी कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है इसकी आवश्यकता विदेश की भूमि पर बहुत अधिक है, वहाँ भौतिकता बहुत फैली हुई है, आध्यात्मिक मार्ग का वहाँ पर प्रचार होना चाहिए, आप वहाँ पर मेरे साथ चलिए। तो उसी क्रम में दोनों ने आज्ञा मांगी और शिवानंद जी महाराज ने दोनों को आज्ञा दे दी विदेश की धरती में जाने के लिए। 1962 में स्वामी शिवानंद जी से विदा लेकर करके हमारे गुरु महाराज स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज और ललितानंद जी आध्यात्मिक लोगों की पिपासा को शांत कराने के लिए विदेश की धरती की ओर निकल पड़े। उनका जो पहला आश्रम था वो था रिको प्यूरिटो में। वहाँ पर उन्होंने बड़े अथक परिश्रम से, क्योंकि परिश्रम बहुत किया उन्होंने, दोनों ने बहुत परिश्रम किया। किस लिए किया? केवल जिज्ञासु की जो जिज्ञासा उसे शांत कराने के लिए। आत्मज्ञानी संत को अपना कुछ भी नहीं चाहिए, वो केवल अपना सर्वस्व जो है उस बादल के समान में लुटा देता है, जैसे कि वर्षा ऋतु में आकाश में जो जल का बादल होता है वो पूरा का पूरा अपने आप को मिटा देता है, सर्वस्व मिटा देता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, धरती की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन अधिकांश बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इन पर भी टिप्पणी करते हैं। मुझे दो लोग ऐसे मिले कि एक ने तो वो तो खैर गृहस्थ था, कहने लगा कि तुम्हारे स्वामी जी अमेरिका में केवल पैसा कमाने के लिए गए हैं, जबकि स्वामी जी ने कभी भी धन पर हाथ नहीं लगाया। और एक ही उनके पास कमरा था, बाकी कमरा तो आश्रम के प्रयोग में आता था। उस कमरे में एक उनकी टेबल रहती थी, एक अब उनके पास में एक लैपटॉप रहता था, पहले तो टाइपराइटर था, कुछ पेन थे, कुछ किताबें थी, बस उसी में वो रहते थे। वस्त्र के नाम से उनके पास में अधिक नहीं होते थे, स्वामी शिवानंद जी के पास में भी कपड़े ही नहीं होते थे, रमण महर्षि के पास में तो एक केवल लंगोट होती थी, और दूसरे एक सन्यासी कह सकते हैं उनको। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे स्वामी वहाँ अमेरिका में तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, यानी कि हिंदुस्तान में रह करके तुमने संन्यास ले लिया है, इतना भी पता नहीं है कि तुम क्या किससे क्या कह रहे हो। तभी कहा गया है कि उन लोगों के संपर्क में रहा करें, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी हो, कि जो आध्यात्मिक मार्ग की ऊंचाई को छू चुका है या छू रहे हैं, उनके संपर्क में रह करके पता लगेगा ना गहराई क्या होती है। तो युग रिको प्यूरिटो में उन्होंने सनातन धर्म मंदिर की स्थापना की और वहाँ पर अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, जैसे योगासन है, ध्यान है, प्रवचन है, और अनेक जो पुस्तकें हैं हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनका उन्होंने वहाँ पर उन्होंने व्याख्या की, लोगों को सुनाया। मशीन ली उन्होंने, उन दिनों मैनुअल मशीनें होती थी, जो प्रिंटर है, टाइपराइटर होता है, तो अथक परिश्रम से उन्होंने रात दिन परिश्रम करने के बाद में वहाँ से फिर उन्होंने मैगजीन निकाली या पुस्तकें निकाली। लेकिन फिर वो अंत में 7 वर्ष तक उन्होंने जब रिको प्यूरिटो में अपना जो आश्रम था वहाँ पर स्थापना की, तो फिर वो 22 मार्च 1969 को अपना पूरा सामान लेकर करके मयामी US में मयामी में उन्होंने अपना आश्रम स्थापित कर लिया। ललितानंद जी इसके पीछे ही से उनको ही आता है, स्वामी जी बार बार कहती थी कि स्वामी ललितानंद जी मेरी छाया हैं। और वहाँ से उन्होंने अभी तक 50 से ऊपर आध्यात्मिक मार्ग की पुस्तकें लिखी हुई हैं, कुछ और भाषाओं में भी लिखी हुई हैं, हजारों की संख्या में तो उनके प्रवचन हैं, और YouTube में भी अभी वर्तमान में भी ऑनलाइन उनके प्रवचन आते हैं।
यानी कि उन्होंने अपना सर्वस्व जो है केवल जगत कल्याण के लिए लुटा दिया हुआ है। और अभी स्वामी जी का जन्मदिन था 93वां, लेकिन अब वो कुछ समय से अब वो ऑनलाइन नहीं आते हैं, यानी कि अब वो एक तुरीय अवस्था में हैं।